Hello young people, Divyam here from PU Stack. This is 8th lecture of History Chapter, Print Culture and the Modern World. इस lecture में हमारा topic होगा Religious Reforms and Public Debates. तो फिर आइए, let's begin. Students, Print Culture ने लोगों को अपने views को express करने का एक जरिया दिया था. अब लोग सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इश्यूज पर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने लगे थे. वो अलग अलग बुक्स अपनी ही पब्लिश कराने लगे थे. फॉर एग्जाम्पल, 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था संवाद कौमोदी. उस बुक में उन्होंने सोशल इश्यूज जैसे कि चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और प्रदा सिस्टम पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया था. साथ ही साथ अब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे. फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे समाचार और शम्सुल अकबर, ये दो ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो हर कोई अब पढ़ने लगा था. टीचर, मुस्लिम्स ने प्रिंट कल्चर को कैसे अडॉप्ट किया? फोक्स, कॉलोनियल रूल के टाइम पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको एक चीज का डर था कि जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉज को चेंज करवा देंगे. अब ये वही टाइम था जब उन्होंने प्रिंट कल्चर का फायदा उठाया. उन्होंने समझा कि प्रिंट कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है. उन्होंने बहुत चीपली हॉली बुक्स और न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करवाना शुरू किया जिसको हर मुस्लिम अफोर्ड कर सकता था. उन बुक्स में उनको बताया गया कि उनको डेली लाइफ में कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है जिससे कि उनकी एग्जिस्टेंस बनी रही. सर, हिंदूस ने प्रिंट कल्चर को कैसे अडॉप्ट किया? गाइस, हिंदूस को रिलीजियस बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. 1810 में तुलसीदास ने रामचरितमानस एक बुक लिखी जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई थी. उस टाइम लखनऊ की नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे की श्री वेंकटेश्वर प्रेस बहुत फेमस मानी जाती थी. ये जो बुक्स थी ये चीप तो थी ही, साथ ही साथ ये पोर्टेबल थी. इनको कोई भी कभी भी और कहीं भी पढ़ सकता था. तो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज को आपने समझ लिया है, तो अब आप बताइए कि आपको प्रिंट कल्चर के बारे में इन दोनों कम्युनिटीज से क्या पता चलता है? सर, इससे हमें पता चलता है कि प्रिंट कल्चर ने अलग अलग कम्युनिटीज को आपस में कनेक्ट किया था, उनको एक वॉइस दी थी जिससे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके. यस, दैट्स राइट. सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. Please like, share and subscribe to PU Stack. To go to the next lecture, just click here. Thank you for watching and spread happiness.